आम आदमी पार्टी को उनके ही तीन पार्षदों ने तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई के एक दिन पहले दिया है। चंडीगढ़ बीजेपी प्रमुख जितेंद्र मल्होत्रा ने इस बात की पुष्टि की है। तो वहीं मेयर का ये इस्तीफा उसी दिन आ गया जिस दिन आपके तीन पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली की राजनीति में उस वक्त धमाका हुआ जब आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। तो इस दौरान आपके पार्षदों ने क्या कहा, सुनिए। मैं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूँ। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं। वार्ड नंबर 20 तो काउंसलर हैं, पिंड हल्लो मजरा बहलाना दीप कम्पलैक्स। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारना करके मैं गुमराह हो गया था, मनून पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाकर साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँगा। इसकी कोई खास वजह आप बताना चाहें बीजेपी में ज्वाइनिंग की? खास वजह तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ थे बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों वास्ते, दलितों वास्ते सारे, इस करके बीजेपी के बीच है। और आम आदमी पार्टी छोड़ने की जो वजह है वो बता दें? आम आदमी पार्टी की तो ज्वाइन करियो नहीं थी, करे तो थोड़ा गुमराह हो गया था मैं बीच में, इस करके आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं था मैं। तो वहीं आपके नेता प्रेम गर्ग ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे दो पार्षद नेहा और पूनम को भाजपा ने खरीद लिया है। यहाँ तक कि नगर निगम के मेयर जैसे चुनाव के लिए भी बीजेपी को ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना पड़ा। ये वाकई शर्म की बात है। माननीय न्यायालय को सत्ताधारी दल द्वारा अपने धन के थैलों का उपयोग करके इस खरीद फरोख्त का अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। अपने पार्षदों नेहा और पूनम के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि गुरचरण काला पहले बीजेपी के नेता थे, फिर उन्होंने आप ज्वाइन कर ली, लेकिन अब फिर से गुरचरण काला ने घर वापसी कर ली है। आपको बताते चले कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे, इसमें आप और कांग्रेस को झटका लगा था और बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर को 16, आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे, जबकि 8 वोट अवैध घोषित किए गए थे। इसके बाद विपक्षी गठबंधन ने निर्वाचन अधिकारी पर मत पत्रों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इसके चलते कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों में छेड़छाड़ की थी और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अधिकारी का कृत्य लोकतंत्र की हत्या और मजाक है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मतपत्रों और मतदान की कार्रवाई के वीडियो को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया था और 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दिन निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था।